आप देख रहे हैं सनलाइट न्यूज, सच के साथ सबकी बात। नमस्कार, मैं हूं आकाश व्यास और आप देख रहे हैं सनलाइट न्यूज। तृणमूल कांग्रेस के 21वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सत्यनारायण पार्क अफीन चौरस्ता में वार्ड 42 तृणमूल युवा कांग्रेस द्वारा रक्तदान उत्सव आयोजित किया गया। स्मिता बख्शी ने रक्तदान के फायदे बताते हुए कहा कि रक्तदान करने से शरीर में रक्त का संचालन सही होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। जो खून देने से शरीर खराब नहीं होता है, अपना शरीर का खून का संचालन जितना ज्यादा होगा शरीर भी अपना स्वस्थ रहेगा। इसलिए आज जो लोग यहाँ खून देने आए हैं या खून दीजिएगा, मैं उनका आभारी हूँ कि वो लोग खून देने नहीं आते तो ये अनुष्ठान सफलता नहीं होता है। इसी तरह से मैं ये तृणमूल कांग्रेस का जिसका ये तत्वावधान में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है दिनेश मिश्र को मैं बोलूंगा कि आगे साल और भी बड़ा करके और सुंदर से ये रक्तदान शिविर हो, यही आशा रखते हुए मैं मेरे बात को विराम दे रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज बहुत खुश है मैंने, क्योंकि बहुत दिन बाद हमारे पार्टी का तरफ से तृणमूल का झंडा लेके यहाँ का युवा कांग्रेस तृणमूल 42 एक प्रोग्राम बना है। ये बहुत राजनीतिक सचेतन एरिया है। हर पार्टी यहाँ आते हैं, दो शब्द कहते हैं, बोलते हैं, अपना एक भावना प्रकाश करते हैं। सांसद बैठा हुआ है, विधायक बैठा हुआ है, काउंसिलर को भी हम लोग देखना चाहते हैं हमारे पार्टी की तरफ से आए, कामयाब भी हो और उन्होंने भी हमारे साथ एक मंच पर बैठे। और यहाँ का जो आम जनता, उन लोग में जरूर सोचता हूँ कि ममता बनर्जी के प्रति उन लोगों का प्यार बहुत बड़ा रूप से है, क्योंकि ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, ये बंगाल का, वो सबसे पहला प्रोग्राम सत्यनारायण पार्क के सामने करो बोलकर संजय गुप्ती को बोलते हैं। ये बात आज कह रहा हूं कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को साथ दीजिए, क्योंकि देश का स्थिति ठीक नहीं है। चाहे ये विमुद्रीकरण बात कहिए, चाहे ये GST बताइए, चाहे ये पटिया बिल के बारे में बताइए, जो बैंक पे जो नया बिल आने के लिए कोशिश कदम उठाए इन लोगों ने, तो मैं बड़ा बाजार में आके आप लोगों को सामने ये बोलना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस को साथ दीजिए। ये बंगाल को कितना डेवलपमेंट हुआ, चले जाइए ना रात में न्यू टाउन एरिया में, देखते देखते आइए राजा राज न्यू टाउन प्रांत, चला जाइए पार्क सर्कस एरिया में, चला जाइए जो जहां चाहे, कलकत्ता का बदल आंखों में नहीं आता है आप लोगों का। लोग पूछते हैं तृणमूल कांग्रेस का हाल क्या है, अरे हाल तो देख लिया ना, पिछले 15 दिन पहले सभम असेंबली का उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव का नतीजा क्या आया, एक असेंबली का बाई इलेक्शन में तृणमूल कैंडिडेट 64,000 से ज्यादा वोटों से जीता एक असेंबली का बाई इलेक्शन में। और दूसरा हम लोग दिखाएंगे 29 जनवरी उलुबेरिया पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन है, हमारे सुल्तान अहमद उनका निधन हो गए, वो बाई इलेक्शन है 29 जनवरी। सुल्तान अहमद 1.5 लाख वोट से जीता था, कामयाबी मिला, हम लोग दिखाएंगे उनका पत्नी खड़ी हुई, वो 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। तब सोचोगे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कौन जगह में खड़ा है, कहां खड़ा है और आम जनता का दिल में इसका अवस्थान कहां है। आम जनता सोचते हैं कि हमारे सरकार है,
बोलता है ना, मां माटी मनुष्य सरकार, तो ये सरकार को साथ दीजिए। और पहले तो नारा थे कि सब चीज तो बार बार गंगा ठाकुर एक बार, लेकिन आज ममता बनर्जी वो नारा बदल दिया, सब तीर्थों एक बार गंगा सागर बार बार कर दिया। आप जाइए गंगा सागर, देखेंगे कहां से कहां तक ले गए गंगा सागर, कितना प्यारा स्थान हो गया गंगा सागर। मुख्यमंत्री खुद गए थे गंगा सागर का परिदर्शन करने के लिए पिछले हफ्ता में, जो सारे देश में जो लोग आते हैं वो गंगा सागर के अच्छा से बनाइए, वो गंगा सागर का परिकाठा वो अच्छा से बनाइए। सारे देश से लोग आते हैं गंगा सागर में मिलते हैं, वो सागर के पूर्ण लग्न में जो नहाते हैं मकर संक्रांति का दिन में, वो गंगा सागर एक पुण्य पवित्र भूमि में रूपांतरित हो जाते हैं। वो पुण्य भूमि में जाना नहाना, ये गंगा सागर का मकर संक्रांति का दिन में ममता बनर्जी खुद जाके वो स्थिति को देख के आए। और आप लोगों ने भी जाके देखिए, वो पिछले 10 साल का आगे जो गंगा सागर देखते थे, और आज जाके देखिए, और अगले 5 साल के बाद जब देखेंगे तो सोचेंगे कि ये गंगा सागर का स्थान कहां ना कहां से उतर गया। अभी अभी आप लोगों के बीच में एक बार बोलना चाहता हूं, इसलिए आप लोग सब जानते थे जो सच्चिदानंद पांडे थे, हमारा कांग्रेस के बड़ा बाजार में महासचिव थे, उनका सुपुत्र राजीव पांडे 6 महीना पहले से तृणमूल कांग्रेस में आने के लिए सुदीप बंदोपाध्याय के पास में एक दरखास्त जारी किए थे। बहुत दिन हुआ, सुदीप बंदोपाध्याय जी भी व्यस्त थे, अभी अभी सुदीप बंदोपाध्याय का इजाजत से हम आप लोगों को घोषणा करना चाहता हूँ, सुदीप बंदोपाध्याय स्मिता बख्शी का हाथ से हमारा तृणमूल कांग्रेस के झंडा लेकर के आज से तृणमूल कांग्रेस में वो ज्वाइन करेंगे। आप लोग उनको स्वागत करिए। आप लिखिएगा, बोलिए तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद।